तो आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। पीएम मोदी यहां मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद धामी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की कैसी है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं इस समय हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। पीएम मोदी यहां मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद धामी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की कैसी रहेगी तैयारियां, यह हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं देहरादून के परेड ग्राउंड की। तैयारियां पूरी हैं। आज पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, लिहाजा इस रिकॉर्ड तोड़ जीत को भव्य बनाने के लिए परेड ग्राउंड तैयार है। इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव शामिल होंगे। इसके साथ ही साधु संत और शहर के प्रबुद्ध जन, आम जनता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। विधायकों, मंत्रियों और वीआईपी के बैठने के लिए 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं, हेलीपैड बनाए गए हैं। सुरक्षा के नजरिए से 1000 पुलिस कर्मियों की परेड ग्राउंड में तैनाती रहेगी। यहां 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर हम आपको कुछ वो चेहरे दिखा रहे हैं जो धामी 2.0 का हिस्सा हो सकते हैं। गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, अरविंद पांडे, प्रेमचंद्र अग्रवाल, मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल और वंशीधर भगत में से एक विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। ऋतु खंडूरी, सौरभ बहुगुणा, शिव अरोड़ा, विनोद चमोली, मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट ने लाल कुआं सीट पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के अघोषित सीएम चेहरे हरीश रावत को मात दी। धुआंधार जीत के बाद अब धामी की टीम में शामिल होने की अटकलों पर वो क्या कहते हैं, सुनिए। भावनाएं ये हैं कि मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल सकती है इस बार। अगर ऐसा है तो मेरा सौभाग्य होगा और जैसे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, इस तरह हमारी भी इच्छा है कि और लोगों की सेवा करूं और पार्टी का काम आगे बढ़ाऊं। वही पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। भाजपा ने एक चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया, उसको फिर से दोहराया। मैं समझता हूँ कि वो सफल हूँ, यह पक्ष और विपक्ष दोनों के काम है। हम लोकतांत्रिक विपक्ष हैं, हम विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे और जो उनके पक्ष के लोग हैं वो पक्ष के। उत्तराखंड में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पहली बार लगातार 2 बार सत्ता में वापसी कर बीजेपी ने पहाड़ के राजनीतिक इतिहास को ही बदल दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।